फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं गुड़िया फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ब्यूटी हैक लेके। तो जैसा कि मैंने अपने कल के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि घर पे हम एक अच्छा सा लिप बाम कैसे बना सकते हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से, वैसे ही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ घर पे आप अपना नाइट क्रीम कैसे बनाएं, उसमें भी बस दो चीज़ों से। ज़्यादा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है कि रात को हम अपना फेस वॉश करते हैं और कुछ भी फेस पे लगा देते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं। तो ये तो आप जो करते हैं सो ठीक करते हैं, कोई गलत नहीं करते हैं। बस आपको इसमें एक चीज़ ऐड करना है, उसके बाद अपने स्किन को देखें आपका स्किन कितना ग्लो करेगा, लाइट करेगा और बिल्कुल फाइन लाइंस तो बहुत दिनों तक नहीं आएगा। बहुत दिनों मीन्स आपका एज होता जाएगा बट जल्दी फाइन लाइंस आपके एज पे नहीं आएगा। आपको आप लग रहोगे 30 के पर आप लगोगे 25 के। वो इतना, वो जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ वो इतना फ़ायदा करता है स्किन पे पूछो मत। तो वो मैं भी इसकी यूज़ करती हूँ और वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाली हूँ कि ऐसा वो क्या चीज़ है जिसे हम अपने स्किन पे लगाएंगे और हमारी स्किन बिल्कुल ही एक महीने बाद चमकने लगेगी। चमकने मीन्स आपके स्किन पे जो भी दाग धब्बे होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे, जो भी फाइन लाइंस आ रहे होंगे। आप एज के हम रहते हैं कम बट बहुत जल्दी हमारे एज पे फाइन लाइंस आने लगते हैं, उनका प्रभाव दिखने लगता है, तो वो सारे खत्म हो जाएंगे। एक दो दिन में नहीं होगा, आपको कंटिन्यू उसे एक महीना लगाना पड़ेगा। उसके बाद अपने स्किन को देखे फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ये ब्यूटी हैक कैसा लगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम मुझे चाहिए बस यहाँ पे एक एलोवेरा जेल, ये देखिए आप कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं, पौधे का नहीं लेंगे यहाँ पे, किसी भी कंपनी किसी भी ब्रांड का आप यहाँ पे ले सकते हैं। एंड उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे विटामिन ई की टैबलेट, ठीक है। ये आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगी। यहाँ पे मैं लूँगी जो कि सबसे ज़रूरी है इसमें नाइट क्रीम डे क्रीम में, वो है विटामिन ई की। उसके बाद आपको चाहिए दो कंटेनर, अच्छा दो कंटेनर, एक नाइट टाइम के लिए एंड एक डे टाइम के लिए, और एक है एलोवेरा जेल एंड एक यहाँ पे मैंने लिया है विटामिन ई का टेबलेट। एंड एक ले ले आप कोई भी पिन ले ले, सीजर ले ले, जिससे हमें इसको कट करना है। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि नाइट क्रीम एंड डे क्रीम हम कैसे बना सकते हैं बस दो चीज़ों से। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, हम अपना ये ब्यूटी हैक स्टार्ट। तो यहाँ पे मेरे पास एक है ये मॉइस्चराइजर का डब्बा था निविया का, सो ये खाली कंटेनर है, यहाँ पे मैंने ये कंटेनर ले लिया है एंड उसके बाद एक सीजर ले लिया है और अपना ये कैप्सूल ले लिया है एंड यहाँ पे एक है मेरे पास एलोवेरा जेल। तो सबसे पहले हम इसमें से क्या करेंगे कि तो बोलूँगी कि आप इसे एक महीने से ज़्यादा दिनों तक के लिए बना के ना रखें, एक महीना के लिए बना लें एंड जब वो आपका फिर ख़त्म हो जाए तो फ्रेश आप फिर से बना लें, क्योंकि इसे आप घर पे बना सकते हैं उसमें भी बस दो चीज़ों से। तो ज़्यादा दिनों तक इसे स्टोर करके ना रखें। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ 50 डेज के लिए, 15 दिन के लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो 15 दिन का बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले लूँगी 4 टैबलेट, ठीक है। 4 टैबलेट में मैं क्या करूँगी इसको पहले यहाँ से कट करूँगी। आप इसको पिन अप भी कर सकते हैं, किसी पिन से इसमें छेद कर दे और निकाल ले। तो यहाँ पे मैं सीजर से कट करती हूँ, वो मेरे को कट करके इसका ऑयल निकाल लिया और इतना ऑयल इसमें से निकला है, आई थिंक आप लोग को दिख रहा होगा, फोकस कर रहा है या नहीं कर रहा है पता नहीं। सो ये बहुत हो जाता है हमारा 15 दिन के लिए, तो इसमें से मैंने ये निकाल लिया और इसमें अब हम डाल देते हैं एलोवेरा जेल। तो 15 दिन के हिसाब से ही हम इसमें एलोवेरा जेल डालेंगे। और उसके बाद आप नाइट क्रीम के अलावा इसको मेकअप करने से पहले भी इस क्रीम को आप अपने फेस पे लगा सकते हैं, उससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होगा एंड ये प्राइमर का काम करेगा, बिल्कुल स्मूथ मेकअप होगा आपका और बिल्कुल ये नहीं लगेगा कि आपने प्राइमर नहीं लगाया है। यहाँ पे इसको मिक्स कर देंगे, इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देंगे कि ये हमारा नाइट टाइम क्रीम बन के तैयार हो गया और भी जेल टाइप का बन जाएगा आपको जब आप इस तरह से विटामिन ई का इसमें ऑयल डालोगे और एलोवेरा जेल डालोगे, बिल्कुल ये एक अच्छा सा जेल टाइप का बनके तैयार हो जाएगा। ये हमारा नाइट क्रीम बनके यहाँ पे तैयार हो गया, इसे हम कर देंगे बंद और रखेंगे अपने फ्रिज में। आपको याद रखना है आप अपने नाइट क्रीम को, किसी भी नाइट क्रीम को बाहर ना रखें, फ्रिज में रखें। तो बस ये हमारा बनके तैयार है और इसे हम करेंगे बंद, रात को करेंगे फेस वॉश और फेस वॉश के बाद हम अपने फेस पे लगाएंगे और अपने स्किन को ब्राइट ग्लोइंग और बिल्कुल ही दाग धब्बे फ्री बनाएंगे, ठीक है। तो आपका स्किन बहुत क्लियर होगा, ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरे स्किन पे पिंपल्स के इतने दाग थे कि आप बिलीव नहीं करोगे। ये स्टार्ट किया है ना ये ट्रिक, उसके बाद से मेरे स्किन के सारे दाग धब्बे धीरे धीरे ख़त्म हो गए।
हमारा नाइट क्रीम बनके यहाँ पे तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे बनाएंगे डे क्रीम। तो डे क्रीम को बनाने के लिए यहाँ पे है मेरे पास निविया का मॉइस्चराइजर, ठीक है। मॉइस्चराइजर है, इसमें मैं मिलाऊंगी ये विटामिन ई का ऑयल, ठीक है। जिस तरह से मैंने जेल में मिला के नाइट क्रीम बनाया, उसी तरह से हम ये मॉइस्चराइजर में अपना ये विटामिन ई का ऑयल मिलाएंगे और अपना डे क्रीम बना के तैयार करेंगे। ये इतना इफेक्टिव है, आप इसे दिन में लगाओ, रात में लगाओ ये, और इस तरह से मिला दूंगी। रखना है कि आपको डे क्रीम में ज़्यादा नहीं डालना है, ओके। आपको नाइट क्रीम में अगर आप 15 दिन का बना रहे हैं तो आप उसमें 4 टेबलेट डालेंगे, बाकी एलोवेरा जेल डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, रख देंगे। बट डे क्रीम में आपको मॉइस्चराइजर जितना भी हो, बट अगर आप बहुत दिनों का बना रहे हैं, 15 दिन का बना रहे हैं, तो आप उसमें 2 डालेंगे। अगर आप यहाँ पे 1 हफ्ता के लिए बना रहे हैं, तो आपको बस 1 विटामिन ई का यहाँ पे टेबलेट का ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप गर्मी में लगाओगे तो थोड़ा सा आपको उससे पसीना पसीना हो सकते हैं आप, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप विंटर में यूज़ कर रहे हैं तो आप 1 के बदले 2 डाल दें अपने मॉइस्चराइजर में। बट अगर आप समर में इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप 15 दिन का बना रहे हैं तो उसमें बिल्कुल 1 टेबलेट डालेंगे, ओके। 1 महीने के लिए बना रहे हैं तो उसमें आप 2 टेबलेट डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है आपको। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाला एक ऑयल, एक विटामिन ई का टेबलेट का ऑयल, ठीक है। तो आप भी जब अगर 15 दिन के लिए बनाएंगे तो बस 1 टेबलेट का तेल यहाँ पे इसमें डालेंगे, अगर 1 महीने के लिए बनाएंगे तो 2 टेबलेट का तेल डालेंगे। क्रीम बन के तैयार हो गया है, और इसे हम बंद करके इसको फ्रीज में नहीं रखना है, ये ध्यान रखना है, इसको फ्रीज में नहीं रखना है, इसको रखना है नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर, और नाइट क्रीम को रखना है फ्रीज में, ठीक है। तो यहाँ पे बताया था कि हम घर पे कैसे होममेड लिप बाम तैयार कर सकते हैं, तो ये भी निविया का कंटेनर खाली था मेरे पास, तो मैंने इसी में बनाया था। तो आप घर पे होममेड लिप बाम बहुत अच्छे से बना सकते हैं, बस 2 इंग्रेडिएंट से, जिसमें कि चाहिए वैसिन एंड लिपस्टिक, लिपस्टिक हो या फिर लिक्विड लिपस्टिक का कोई भी कलर हो, उसमें 2 चीज़ चाहिए। और उसे हमें किस तरह से बनाना है, तो इसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला है, तो आप उसे जाके ज़रूर देखें और एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए हमारा कल जो मैंने यहाँ पर बनाया था अपना लिप बाम, ये बन के तैयार है, और ये देखिए कितना अच्छा सा ये शाइनी शाइनी बन के तैयार हो जाएगा। आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना होता है, बस 2 चीज़ डालना और आपका लिप बाम बनके घर पे अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो लिप बाम भी बना सकते हैं, तो मेरे चैनल पे जाए और वो वीडियो देखे, पसंद आए तो लाइक करे, न्यू आ रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्यूटी हैक कि डे क्रीम आप कैसे बना सकते हैं, नाइट क्रीम कैसे बना सकते हैं। डे क्रीम हम सभी लगाते हैं, नाइट क्रीम हम सभी लगाते हैं, बट उसमें आप बस ये विटामिन ई की एक ऑयल का टेबलेट डाले और अपने स्किन पे एक अमेजिंग फील आप महसूस करेंगे बस 1 महीने में। 2 दिन 3 दिन में कोई चमत्कार नहीं होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ लगातार करो तभी उसका फर्क नज़र आता है, तो आप सब्र रखना और 1 महीना ऐसे इस्तेमाल करना, आपके स्किन के सारे दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे। क्रीम को, डे क्रीम को आप जरूर फॉलो करें। आपको मेरा ये ब्यूटी हैक कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलती हूँ अपने एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, मजे में रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय। और मेरे बाय बाय से पहले यहाँ पे लव्या भी बात करेगी आपसे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं गुड़िया, आप भी गुड़िया, और मैं चाचा भी हूँ, ठीक है, बाय। मेरे को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, मुझे बताना कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।